हमारे आत्मीय परिजनों, सभी पर्व अपना अपना महत्व रखते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी पर्व पड़ते हैं वो अपना अपना विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर्व, ये पर्व हमारी आत्म समीक्षा का पर्व है, ये आत्म चिंतन का पर्व है, ये प्रेरणा का पर्व है, ये हमारे सौभाग्य का पर्व है। जो कि कोई दिशा हमको देता है, कोई हमको धारा देता है, हमको ज्ञान देता है, हमको प्रेरणा देता है, ये पर्व विशेष महत्व रखता है। जीवन में जितने पर्व और महत्व रखते हैं उससे ये बहुत अधिक सबसे विशेष, मैं तो कहती हूँ सबसे ऊंचा ये पर्व, ये पूर्णिमा पर्व वो पर्व है कि हम ये भावना का, ये श्रद्धा का पर्व है, ये निष्ठा का पर्व है, ये हमारे आत्मचिंतन और हमारी आत्म समीक्षा का पर्व है कि हमने इस वर्ष कैसा जीवन जिया और आज से जो शुरू हो रहा है, आगे आने वाला जो समय है, उसको किस तरीके से जिया जाना चाहिए। जो हमको प्रेरणा दे रहा है उस रास्ते पर हम कितना चल पाए और कितना हम नहीं चल पाए, नहीं चल पाए तो आगे हमको और दो कदम आगे चलना है। जब हम मिल ही गए, जब हम समर्पित ही हो गए, तो फिर हमारा अहम कहाँ, फिर हम रहे कहाँ, हम तो मिल गए उस सिंधु में जा मिले, नाला नाला सिंधु में जा मिला तो वो सिंधु हो गया, वो गंगा हो गया, नाला जो कल नाला था, जिसको हम छूते नहीं थे, जिसमें मल बहता था, पेशाब जाता था, गंदगी जाती थी, लेकिन वो गंगा में मिल करके वो पवित्र हो गया, पवित्र हो गया, वो गंगा हो गया। जब समर्पित जीवन हो गया, जब समर्पण हो ही गया तो अधिकार भी उसी का है, जिसके हवाले हमने तन भी कर दिया और मन भी कर दिया। अभी लड़के गा रहे थे, तन तुम्हारा हो गया मन तुम्हारा, जब मन भी तुम्हारा हो गया और शरीर भी तुम्हारा हो गया तो शासन भी उसी का हो गया, शासन भी उस सत्ता का हो गया, जिसके हवाले हमने अपनी बात दो को सौंपा, उसी सत्ता का हमारे ऊपर अनुशासन भी उसी सत्ता का है, जो कि समर्पित कर दिया ना। जब तक हमने समर्पित नहीं किया था तो हम अलग थे, अलग थे, कीड़े और मकोड़े थे, और जब हम जा मिले तो एकाकार, एकाकार हो गया। एक लाइन है एक गाने की, उसका तात्पर्य यही है, कहा एक नदिया एक नाला कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, दोनों मिल जब एक बरम गए सुरसरी धार में। अरे सुरसरी धार में, क्योंकि वो नदिया और नाला आपस मिल गए, मिल गए तो वो नाले की गंदगी कहाँ रही, गंदगी नहीं रही, वो नाले ने अपने को समर्पण कर दिया उस गंगा को, उस नदी को जो सुरसरी धार है। अभी ये आज
आत्मचिंतन का पर्व है। हम अपने अंदर खोजें, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कमियां हैं, उन कमियों को हम निकालें। हम समीक्षा अपने अंदर कर रहे हैं और अपने गलेवा में हम डालें कि हमारे अंदर क्या क्या मल विक्षेप भरे पड़े हैं, इसको किस प्रकार धोया जाए। उस सत्ता से कहें जिसके के हमने अपनी बागडोर जिसके हाथ में सौंपी है कि धोना आपका काम और समर्पण होना हमारा, आपके हवाले करते हैं, आप धोइए और गंदगी को हटाइए, हटाइए हमको स्वीकार है, स्वीकार है। जब तक हमारी जिंदगी है तब तक हम आपके हवाले हैं। जब तक आप ढूंढते जाइए, रुई की तरह से ढूंढते जाइए, हम कभी भी ना नहीं करें कि हमारे ऊपर ये चोटें क्यों की गई, हमको रुई की तरह से क्यों धुना गया, इसमें हमारी अच्छाई है। हमको रुई की तरीके से धुना जाएगा तो हम फूल जाएंगे, फूल जाएंगे, रुई की कोई ताकत नहीं होती। और जब वो धुनी जाती है तो रुई फूल जाती है, रुई फूल जाती है। हम इनकार नहीं करेंगे, हम मुसीबतों को इनकार नहीं करेंगे, हम उसे छाती से लगाएंगे, कहेंगे आइए, हमने तो सब अपना हवाला कर दिया है। अभी जो लड़कों ने गाया था, तन तुम्हारा हो गया और मन तुम्हारा हो गया, तब तो सब तुम्हारा ही हो गया, तो समाज तुम्हारा ही हो गया, तुम्हारे पास बचा ही गया, और बचा ही नहीं तो किसी का आधिपत्य भी नहीं, किसी का आधिपत्य भी नहीं है, किसी का ये भी नहीं है कि संपत्ति उसकी है, ये संपत्ति अरे बाबा है ही नहीं, जब है ही नहीं तो संपत्ति को देंगे किसको, कौन है बारिश, कोई बारिश नहीं, कोई बारिश नहीं है। जिसका था उसी को हमने सौंप दिया, जिसका था उसी को सौंप दिया, अब तो बिल्कुल नंग भगीर है, बिल्कुल नंग भगीर है, कुछ भी नहीं है हमारा, कुछ भी हमारा नहीं है। तो हमें कोई ना अहंकार है, ना हमको कोई लालच है, ना हमारी कोई तमन्ना है, ना हमारी कोई कामना है। एक ही कामना है कि भगवान जो मानव जाति, पीड़ित मानव जाति को जो कुछ तो शक्ति हमको देनी हो तो वो शक्ति देना कि हम इस पीड़ित मानवता की हम सेवा कर सकें और इसको ऊंचा उठा सकें, हम ऊंचा उठा सकें। अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो हम गल जाएंगे और हम मर जाएंगे और दब जाएंगे, नाबूद हो जाएंगे, नाबूद हो जाएंगे। स्वामी राम तीर्थ एक बार अमेरिका बुलाए गए, राष्ट्रपति ने बुलाया, उनको आह्वान किया, बुलाया, और बुला करके उनकी विद्वता का क्या ठिकाना, भारी बोलने में धुरंधर, बहुत विद्वान। जब स्वामी राम तीर्थ पहुँचे तो राष्ट्रपति के अमेरिका और राष्ट्रपति ने कहा अमेरिका वाले ने कि ये दूसरा ईसा मसीह है, देखिए कितना बड़ा शब्द, उन्होंने कहा कि दूसरा ईसा मसीह है। कौन? स्वामी राम तीर्थ। बहुत बढ़िया बोला उन्होंने, बहुत अच्छा बोला। तभी विवेकानंद हुए, विवेकानंद जब अमेरिका गए तो मजाक उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया, ये क्या बोल सकता, जरा चल रहा, इसमें क्या हिम्मत है। उन्होंने कहा जब आया ही है तो उसे बेइज्जती के साथ उससे ये कह दिया गया, अच्छा क्या विषय दिया जाएगा, उन्होंने कहा शून्यवाद दे दिया जाएगा, शून्यवाद पर तुम बोलो। और उन्होंने शून्यवाद पर जो बोलना शुरू किया, जो बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा जी ऐसा बोलता है, कौन बोल रहा है इसके अंदर। उन्होंने कहा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर मेरा गुरु बोल रहा है, मेरा वो प्रेरणा का स्रोत बोल रहा है, मेरी जबान पर मेरा गुरु बैठा है और मेरे पीछे मेरा गुरु है, मेरा गुरु है, उसका परिणाम क्या होगा। मैं श्रद्धा की बात बताती हूँ, मैं समर्पण की बात बताती हूँ कि उन्होंने अपने को समर्पण किया तो सारी की सारी शक्ति रामकृष्ण परमहंस की उन्होंने ले ली, विवेकानंद ने।
और आप कन्याकुमारी जाना हो तो उधर आप देखना कि विवेकानंद की एक शिला बनी है, विवेकानंद शिला बनी है, उस पर कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। क्यों खर्च? अरे बेटे आप जानते नहीं हैं, अपने लिए नहीं किया था उन्होंने, अपने गुरु के लिए मारे मारे प्रेते और सारे देशों में और विदेशों में उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्थापित किए थे। वो सारी की सारी गुरु की शक्ति ने कराया, गुरु की शक्ति ने कराया। न कहा कि ये इंसान अपने लिए नहीं, ये लोक मंगल के लिए जिया, एक मिशन के लिए, एक उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए जिया है, लक्ष्य के लिए जिया है, इसका तो होना ही चाहिए। तो इतना बड़ा आप देख करके आना, किसका? विवेकानंद का। और स्वामी राम तीर्थ गए था उनका, मैं समझती हूँ कहीं एक आध जगह हो तो हो, नहीं कहीं नाम निशान भी नहीं। क्यों? इसलिए कि जो भी विद्वता थी, जो भी ज्ञान था, उनका वो अपने ही लिए था, अपने ही लिए था। मैं बुराई नहीं कर रही, मैं तो ये बात बता रही हूँ कि परम सत्ता से जुड़ जाने पर, गुरु के हवाले हो जाने पर व्यक्ति कितना ऊंचा उठ जाता है, कितना ऊंचा उठ जाता है ना चीज व्यक्ति, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बेटे गुरु जी ने कितने तो वक्ता बना दिए, वक्ताओं का क्या ठिकाना। जाते हैं तो ये कह देते हैं, अच्छा ऐसा मालूम पड़ता है गुरु जी की वाणी बोल रहा है, तो और किसकी वाणी बोलेगा, हम जो बुलवा रहे हैं और नहीं बुलवाएंगे, समेट लेंगे तो फिर देख लेंगे कैसा बोलेगा। बेटे जरा जरा से लड़के जाते हैं और संगीत में बस समा बांध देते हैं कि आपके सारे लता मंगेशकर और शम्भू का बाल एक तरफ रह जाएंगे, सब एक तरफ रह जाएंगे, क्योंकि अंदर भाव नहीं, क्योंकि वो श्रद्धा लेकर के गए हैं, उसमें कंठ लेकर के नहीं गए हैं। कंठ की कोई कीमत नहीं है, कीमत भी है और कोई भी कीमत नहीं है, भावनाओं की कीमत है कि भावनाओं का आदान प्रदान, और भावना वो श्रद्धा लेकर के चले हैं। तो जन जन जाकर कैसा अलग जगाते हैं, जरा जरा से चौक आपने देख लिया ना। चाणक्य, चंद्रगुप्त की कोई हैसियत नहीं थी, कोई हैसियत नहीं था, नाई का लड़का, जरा सा लड़का, लेकिन वो चक्रवर्ती बना दिया। किसने? गुरु ने बना दिया। श्रद्धा उसकी थी जो कि सारे गुरुकुल का देखभाल वो करता था, चंद्रगुप्त करता था, और बना दिया, नहीं तो वो स्वयं ही बन जाते। नहीं, संत कभी स्वयं नहीं बनता, संत तो दूसरों को बनाता है, स्वयं पर्दे के पीछे काम करता है, जो भी सहायता मदद करता है वो पर्दे के पीछे से करता है, पर्दे के आगे आकर के नहीं करता, कभी अपना अहंकार नहीं गाता, कहता यही है बेटे तेरी कोई मदद हो सकेगी तो करेंगे, और जी जान से कोशिश करता है कि इसका तो कुछ हो ही जाना चाहिए, हो जाता तो हो जाता, नहीं हो जाता तो भगवान वाले के, नहीं हो जाता नहीं भी होता। मैंने आपको ये दो तीन उदाहरण किस उस पर दिए, बेटे एक ही उस पर दिए कि वो दिए कि श्रद्धा और श्रद्धा हमारी गुम्बज की आवाज़ होती है। गुम्बज में हम जब आवाज़ देते हैं तो लौट करके वो आवाज़ हमारे ऊपर आती है। आप जोर से बोलिए, वहाँ हमारे मथुरा में एक पोतरा कुंड है, तो वहाँ जा कर के स्त्री पुरुष को जाने क्या खूबी है, कुछ है ही, तो उस पर यूँ कहते हैं नंद जी का लाला सो गए कि जाग है, तो पीछे से वो जागा शब्द आता है, लौट के आता है। ये श्रद्धा गुम्बज की आवाज़ लौट के आती, ये गेंद को आप पूरी ताकत से फेंकिए, और पूरी ताकत से फेंकेंगे तो गेंद आपके पास वापस आएगी आपके पास, क्योंकि आपने पूरी ताकत उससे लगाई है। ये श्रद्धा लिए, जितनी श्रद्धा हमारी परिपक्व होती है
उतने ही हमें अनायास अनुदान और वरदान हमको मिल जाता है, भौतिक भी मिलता है, लौकिक भी और पारलौकिक भी हमको मिलता हुआ चला जाता है। यहाँ तो व्यक्ति की कहीं ख्वाहिश का कहीं पारावार ही नहीं है, कहीं पारावार है बिल्कुल कहीं का पारावार नहीं है। आज हमारे पास एक पैसा है तो कल हम कहेंगे कि हमारे इसके 5 गुने हो जाए, 10 गुने हो जाए, 100 गुने हो जाए, 1,00,000 गुने हो जाए, 1,00,000,000 गुने हो जाए, कोई इसका पारावार है क्या? और यदि हमारे अंदर संतोष है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रियाशील व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, ये कतई ही नहीं है, लेकिन उसमें उलझ नहीं जाना चाहिए, उसी में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए, कुछ भगवान के निमित्त भी उसको सोचना चाहिए कि जिसने हमें शरीर दिया है, जिस गुरु ने हमको अनुदान और वरदान दिए हैं, जो हमारा पोषण कर रहा है, जो हमारी रक्षा कर रहा है, क्या उसके लक्ष्य और उसके उद्देश्य के लिए भी हमारा जीवन समर्पित है या नहीं है, कि हमारे ही लिए अथवा हमारे बीवी बच्चों का ही अधिकार है या किसी और का भी हमारे ऊपर अधिकार है। बेटे हमारे ऊपर ऋण ऋण है, हमारे गुरु का ऋण है हमारे ऊपर, वो चुकाया जाना ही चाहिए, वो चुकाया ही जाना चाहिए। अपने माध्यम से आपको मैं कह रही हूँ, अपने माध्यम से आपको कह रही हूँ, ये ऋण है कि समय रहते ही हमको जग जाना चाहिए, नहीं पछताना ही जिंदगी में रह जाएगा। और ये रह जाएगा कि हाँ हमको कोई ऐसा संत ऐसा हमको ऋषि मिला था जिसने हमको झकझोरा दिनों रात हमारे लिए एक कर दी, जो सूख सूख के पिंजर हो गया हमारे लिए, हमारे लिए। हाँ बेटे हम यही कहेंगे कि हमारे लिए अर्थात सारे समाज के लिए और सारे राष्ट्र के लिए उसने अपने को तिल तिल गला डाला, लेकिन हमारे अंदर न मालूम हम किस मिट्टी के बने हैं कि हम तस से मस न हो सके, हम ये भी न समझ सके कि आज जो समस्याएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं कितनी भयावह समस्याएं। आप चिंतित हैं बेटे? आप जरा भी चिंतित नहीं हैं, आप राई की बराबर भी नहीं और सुई की नोक की बराबर भी चिंतित नहीं। और गुरु जी के हृदय को देखो खोल के, तो बेटे सिवाय सारे राष्ट्र के और सारे विश्व के चिंतन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा जो के सारे आपके राष्ट्र के ऊपर। आप पंजाब की हालत देख लीजिए, आप आसाम की हालत देख लीजिए, आप बिहार की हालत देख लीजिए, आप गुजरात की हालत देख लीजिए, आप लंका की हालत देख लीजिए, क्या हालत हो रही है। इधर चीन बैठा है, इधर पाकिस्तान बैठा है, उधर अमेरिका घात लगाए बैठा है, कितने अपने राष्ट्र के ऊपर आपत्ति है। और हमारे ही राष्ट्र में हमारे ही भाई और हमारे ही खून के प्यासे। अरे दूसरा हो तो हो, हमारे ही घर में हमारे ही आग लगा रहे हैं, हमारे ही बेटे हमारे ही कुटुंबी हमारे ही घर में आग लगाने जा रहे हैं, हमारी राष्ट्र में आग लग रही है, हमारी राष्ट्र के रहने वाले टुकड़े 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 सारे टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। बेटे ये चिंता का विषय है, और ये चिंता का विषय इस समय भी यदि एकजुट होकर के नहीं रहे, और इस समय भी हमने समय गंवा दिया, तो फिर हाथ लगने वाला नहीं है, वो तो पश्चाताप ही रहे, फिर पश्चाताप ही रह जाएगा, फिर कोई आपको जगाने वाला नहीं है, फिर कोई आपको दुलार करने वाला भी नहीं है, ये भी हम आपको बता देते हैं, आपको झकझोरने वाला भी नहीं मिलेगा और आपको दुलारने वाला भी नहीं, दोनों ही नहीं मिलेंगे। फिर आपको सारी जिंदगी सर पटक पटक के आपकी जीवात्मा धिक्कारती रहेगी। उससे पहले ही हमको सजग हो जाना चाहिए, उससे पहले ही आप सजग हो जाए तो क्या हर्ज की बात है। आपको जगाने वाला भी मौजूद है, आपको प्रेरणा देने वाला भी मौजूद है, और आपको पुचकारने वाला भी मौजूद है, आपको छाती से लगाने वाला भी मौजूद है,
और गोदी में खिलाने वाला भी मौजूद है, आंचल की छाया भी देने वाला मौजूद है, और गड़बड़ी फैलाएंगे तो कानाटने वाला भी मौजूद है, काटने कानाटने वाला भी मौजूद है। जो जब तक गलती नहीं सुधारी जाएगी तब तक उसके अंदर अच्छाइयां नहीं आएगी। यदि ये समर्पित जीवन है कि हम अच्छाइयों के लिए हर पल हर संभव हम आपके दमाग को बना लेंगे, फिर तो हम बना ले जाएंगे, कैसी भी मिट्टी क्यों न हो फिर भी बना लेंगे मिट्टी। श्रद्धा, श्रद्धा जीवन में इतनी फलदायक होती है कि मैं आपसे क्या क्या कहूँ बेटे, कहते नहीं बनता। ये जिंदगी का अनुभव है, ये आप जो सुन रहे हैं जी हमारी जिंदगी का अनुभव है। जिंदगी का अनुभव न होता तो हम आपसे नहीं कहते, हम वो बात हम अनर्गल बात न हम कहना जानते हैं न हम कहेंगे किसी से। हम क्यों किसी को बेघर बनाएंगे, हम क्यों किसी की नौकरी छुड़वाएंगे, क्यों कहेंगे नहीं बेटे हमने इसी शर्त पे सबकी नौकरी भी हमने छुड़ाई बेटे, उदाहरण बैठे इसीलिए हमने कहते थे लोग उन्होंने ये भी कहने में तो किसी ने नहीं छोड़ा, देखा जमाई को दे दिया, बेटी को दे दिया, बेटी को इन्होंने सब दे दिया, सब क्या दे दिया बेटी को बता दे रहा, कौन सी धंधा दे दी, कौन था क्या हमारे पास दे दिया हमने, अरे आपने तो मैं सृष्टि बना दी थी सो तो क्या हुआ बना दिया था तो हमने, तू बता पहले कौन सी बात, गलती करेगी तो बेटी भी कान पकड़ के अलग निकाली जाएगी और जमाई भी निकाला जाएगा और भी हंसो भी निकाले जाएंगे। अभी तो मैं जिंदा हूँ, पहले भी मैं मैंने सृष्टि थी और अभी भी मैं ही हूँ, और क्यों सा आपने अब बदल लिया, फिर आपके मरने के बाद क्या होगा भाई, हार्ट फेल अभी अभी बैठे अभी हार्ट फेल हो जाते तो कहते नहीं हम, और नहीं हुआ तो हम अपने सामने ही बना के जाएंगे। किसको बनाएंगे, ना हम बेटी को बनाएंगे ना हम जमाई को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, चाइनीज को बनाएंगे या काले चोर को बनाना, इससे क्या मतलब, कौन को बनाएंगे, हम बनाएंगे हम दाग धब्बा लगा के ना जाएंगे, ना हम कभी जिए दाग धब्बे से ना हम जिएंगे कभी, दाग धब्बा ही नहीं आने देंगे। मुंह तो हमने किसी का नहीं पकड़ा है, मुंह से तो व्यक्ति अच्छी चीज भी खाता है और शराब भी पीता है, मीठी भी खाता है, बकरे के बकरे भी हजम कर जाता है वही इंसान, और बेटे गंदी चीज भी खा जाता है, जाने क्या क्या करता है, हम क्या कह सकते हैं किसी से, इसे मुंह पकड़ रखा है हमने, नहीं किसी का मुंह नहीं पकड़ रखा, स्वतः हर व्यक्ति स्वतंत्र है और चाहे जो कह सकता है, चाहे जो कह सकता है, हमारी वसीयत है, हमने रजिस्ट्री करा रखी है कि हमारी जिंदगी में कोई हमारा व्यक्तिगत कोई भी संपत्ति हमारी है ही नहीं तो कौन ले जाएगा, है तो सब की है जी बैठे हैं, सब की है, जो रहेंगे सो संभालेंगे, रहेंगे वो संभालेंगे। पर बेटी मैं किस उस पर कह रही थी, मैं उस पर कह रही थी कि श्रद्धा, श्रद्धा ने ऐसा रंग लाया है कि हमें दीन और दुनिया का कुछ पता नहीं, हमें अपनी श्रद्धा का मालूम है और हमें ये मालूम है कि हमें दुखी और पीड़ित मानव जाति की हमको सेवा, हमको सेवा करनी है भगवान, तुझे कुछ देना है, कोई शक्ति देनी है तो तू हमको वो देना कि हमारे ये जो परिजन बैठे हैं इनका कोई दुख कष्ट हो तो हमारी आयु इनको लग जाए, ये कोई मुसीबत में पड़े हो तो हमको कष्ट दे देना, हमको चाहे कैंसर दे देना, चांद दे देना, पर हम उसको सहज स्वीकार कर लेंगे। पर हमारे बच्चों को जिन्होंने हमसे माँ कहा है, जिन्होंने गुरु कहा है, जो कहते हैं कि जी प्रेरणा के स्रोत हैं, जी हमारी रक्षा करेंगे, जी हमारे हैं, तो भगवान तो इनको बचा, हमको लेना पर इनको बचाना, ना हमने तन की सफाई की ना मन की सफाई की, जब मन हमने धोया ही नहीं, मन उसके हवाले किया ही नहीं तो बागडोर कैसे संभालेंगे, बागडोर क्यों संभालेंगे, इसी के लिए संभालेंगे। सब सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में, क्या सौंप दिया है, जो सौंप दिया है
तो तीन हमारी लड़कियां भगवान ब्याह करा और कुछ सौंपा है? संकीर्णता सौंपी है तेने? बिल्कुल नहीं। क्षुद्रता सौंपी है तेने? बिल्कुल नहीं। आलस्य प्रमाद सौंपा है तेने? बिल्कुल नहीं सौंपा। श्रद्धा का अभाव है तेरे अंदर? बिल्कुल नहीं है। सो हम बिल्कुल नास्तिक हैं, श्रद्धा हमारे अंदर भटक के नहीं गई। तो फिर बता तो भगवान को धन क्या सौंपा है? भगवान को वो चीज सौंप जो सौंपने की, जो सौंप जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरा फर्ज है, उसको पूरा कर नहीं रहा, उसके लिए मुंह मोड़ रहा, उसको भगवान के ऊपर थोप रहा है कि भगवान तू पूरा कर। तू क्यों लूला है, लंगड़ा है, काना है, कुबड़ा है, क्या है? उसको भगवान करेगा। भगवान ने सभी रूप दिया है, भगवान से मांगना है तो वो चीज मांग जिससे कि तेरा आत्म परिष्कार हो, तेरा आत्म उद्धार हो, तेरा उद्धार हो। वो चीज मांग, ये बुद्धि पर काई जम रही है, इस काई को हटाने की क्यों नहीं मांगता कि भगवान थोड़ी सी बुद्धि दे मुझे? बुद्धि तो मांगता नहीं है, मांगता है तो वो मांगता है भौतिक चीजें जो कि साथ जाने वाली नहीं है, तो साथ जाने वाली नहीं है। उन चीजों को मांगने से क्या लाभ? उन चीजों को तुम पुरुषार्थ से कमा सकते, उन चीजों को पुरुषार्थ से कमा सकते हैं। पैसे को हम पुरुषार्थ से कमा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा को हम पुरुषार्थ से नहीं कमा सकते। वो हमें अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी। तो अंदर से जब पैदा कर लेंगे तब फिर जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था, आपको बताया था कि किन किन रूपों में किन किनों ने जो मदद की थी, वो मैंने अभी आपको बताया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यहाँ गए तो उन्होंने सब अपना सौंप दिया था। राम और लक्ष्मण, उन्होंने कहा गुरुदेव आप यज्ञ कर रहे हैं, आपके यज्ञ के लिए हम दोनों भाई, मैं धनुष के एक पल भी डिगे नहीं, हटे नहीं, हटे नहीं, जो सौंपा वही उन्होंने करके दिखाया, जो कहा वही किया। तो उन्होंने अपनी विद्या सारी की सारी विद्या उनको सिखा दी। किनको? राम और लक्ष्मण को, दोनों से। और कोई पैदा नहीं हुए थे क्या? हुए होंगे, लेकिन वो श्रद्धा उनमें व्यक्तियों में नहीं होगी जो राम और लक्ष्मण में जो श्रद्धा थी, जो पात्रता थी, वो औरों में नहीं थी। तो उन दोनों को मिल गई, उन दोनों को वो शक्ति मिल गई, वो विद्याएं मिल गई जिनका मुझे नाम याद नहीं रहा है, पर कौन सी दो विद्या उन्होंने बताई थी। तो उनको वो मिल गई। कैसे मिल गई बेटी? उस श्रद्धा से मिल गई। उन्होंने कहा ये तन भी तुम्हारा और मन भी तुम्हारा, हम राजकुमार हैं तो क्या है, हम राजा हैं तो क्या? राजापन हमारा अयोध्या में और गुरु के दरबार में, गुरु के दरबार में हम शिष्य हैं, हम छोटे हैं, न हम धनी हैं न हम निर्धनी हैं, हम कौन हैं? हम इंसान हैं, हम अबोध बच्चे हैं, हम आपके शिष्य हैं, जो चाहे हमसे कराइए। फिर उन्होंने ये नहीं कहा नहीं सा हमारी तो बीवी कुछ ऐसा वैसा कहने लगी है इसलिए हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, तो तेरी बीवी आज तक कभी उतारेगी नहीं, तू घर में बैठा रह। कभी किसी की बीवी ने आज तक नहीं उतारा बेटे, किसी की माँ ने भी लोक मंगल के लिए शायद ही किसी ने कहा होगा कि तू घर से निकल और काम कर, ये तो खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही आपको अपना लक्ष्य निर्धारण खुद ही करना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, विवेक क्या है अविवेक क्या है, ये तो आपको ही निर्धारण करना पड़ेगा। आप अपने रास्ते पर दूसरों को चलाइए, आप तो स्वयं शिकार हो गए, जिसने कह दिया वही सब आ गई समझ में, तुम्हारी अकल कहाँ गई फिर, तुम किस मतलब की दवा, तुम्हारी तो अकल जंग लग गई। नहीं बेटे जंग नहीं लग गई, जंग नहीं लग गई, आप नई शक्ति लेके जाइए। आज आत्म समीक्षा का दिन है, आज आत्म समीक्षा करिए, आज आत्म चिंतन करिए और भावनाओं में शराब और बुझिए, भावनाओं में शराब। शेख चिल्ली नहीं बेटे, शेख चिल्ली पद के लिए तो हम बिल्कुल क्लास, शेख चिल्ली पद जो ऐसे ऐसे हिलते हैं ना, हाँ हमको तो बड़ी आत्म समीक्षा, बड़ा आत्मचिंतन हो रहा है, हिल रहे भूत की तरह से, ये हमको ना पसंद है।
हम भूत पर नहीं चाहते, ना हम भूत हैं ना हम भूत किसी को रहने देते हैं। असलियत पे आ जा, असलियत पे आ जा। अब आप लोग जवान हो जाएंगे, बुढ़े मत रहिए। आपसे निवेदन है आज के दिन कहना तो चाहिए, क्योंकि हमारा अनुशासन होना चाहिए, और आप हमको बड़ा मानते हैं, हमारा अनुशासन होना चाहिए कि नहीं बच्चे? चलिए सरल शब्दों में, विनम्र शब्दों में हम आपसे विनती करते हैं कि आप से आज से जवान हो जाइए और संकल्प लीजिए मनी मन। मैंने देखो दो तीन संकल्प बताए थे, चलिए है तो नहीं मेरा विषय, विषय इन लड़कों का है, बता दिया है आप लोगों को, पर चलते चलते फिर मैं दोहराए देती हूँ। एक संकल्प तो वो जो घर घर दीप यज्ञ का था, दूसरा संकल्प वो जो कि जिनके लड़के हैं वो प्रतिज्ञा करें, वो प्रतिज्ञा करें कि हम अपने लड़के की शादी में दहेज नहीं लेंगे, एक नया पैसा नहीं लेंगे। सिद्धांत पर चलना तो ऐसे चलना, ऐसे मत चलना। संकल्प तो हमने ले लिया, पर हमने लड़कियां आए इसलिए संकल्प ले लिया, देंगे नहीं। और जब लड़के होंगे तो फिर क्या करें? फिर तो ऐसे कह देंगे वो 2 लाख देता था, वो 4 लाख देता था, हमने लड़का इतना पढ़ाया इतना लिखाया था, और देखिए फलाना तो इतना कर रहा था। तो फिर आप बहाने बनाएंगे, यों नहीं लेंगे तो पीछे से ले लेंगे। बात तो वो एक ही होगी, बात एक ही हो गई। आप दूसरा संकल्प ये लीजिए कि हमको अपने लड़कों की शादी में एक नया पैसा नहीं लेना। ना आप लूले हैं ना लंगड़े हैं, और ना आप अंधे हैं ना कोढ़ी हैं। आज पर्व के दिन मुझे कहना तो नहीं चाहिए जो शब्द मैं क्यों कहूँ, पर मैं तो ये कहती हूँ कि विवेक की आँखों को खोलो और अंतःकरण को खोलो बेटे। हमारा अंतःकरण कुंठित हो गया है, और हमारी ये आँख तो है पर ये आँख नहीं है। इन आँखों को जगा लो, इन आँखों को शंकर जी का सा तीसरा नेत्र जो ज्ञान का है उसे उदय कर लो, तो आपको ज्ञान आ जाए। हमें लड़कों की शादी में नहीं लेना। और एक प्रौढ़ शिक्षा का, 3 संकल्प है। प्रौढ़ शिक्षा हमारी चलनी चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा के बिना हमारा काम नहीं चलेगा बेटे। आधी जनसंख्या हमारी, आधी से भी ज़्यादा तो हमारी बगैर पढ़ी लिखी बैठी है। पढ़ाइए, जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ाइए, उनका उत्तरदायित्व पढ़ाओ पढ़ाने। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको संक्षेप में मैंने बताया, सब लोगों ने बता ही दिया होगा, गुरु जी के भाषण से भी आपने अंदाजा लगा लिया होगा, आपने सुना होगा गुरु जी के भाषण में भी, अन्य कार्यकर्ताओं ने भी कहा है। मेरा तो आज का विषय बेटे ये है कि जब ईंधन ईंधन होता है, लकड़ी होती है, तो आपको समर्पित हो जाती है, तो वो अग्नि का रूप धारण कर लेती है, अग्नि का रूप धारण कर लेती है, फिर वो लकड़ी नहीं रहती, उसको समर्पित हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। हमारे ऊपर जो आवरण चढ़े हुए हैं, इस आवरणों को निकालना चाहिए। अंगारे पर एक आवरण होता है, कहीं कंडा आपने जला हुआ कोयला देखा होगा, तो लकड़ी का जब कोयला निकलता है तो उसके ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद परत जैसी होती है, और जब हम उस परत को निकाल देते हैं तो उसी से हम गर्मी प्राप्त कर सकते हैं, और जब तक परत जमा है तो उससे हम कैसे गर्मी प्राप्त करें, उसे नहीं कर सकते। उन परतों को हटाया जाना चाहिए। जो भी परतें हैं इसका तो आप अंदाजा लगाइए क्या क्या परत हो सकती है। इसमें तो हम अनेक परतें निकाल सकते हैं, आलस्य है, प्रमाद है, और भी हैं जो अपने कुविचार हैं वो भी है, असंयम है वो भी है, जाने कितने गिनावे में तो ढेरों गिन जाएंगे। लेकिन इन सबको हमको निकालना है, उस ईंधन की तरह से, उस आग की तरीके से अब हमको एकाकार होना है, जो कि हम केवल ज्वलंत 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 आग 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 हम लेके जाएं, और आग ही हम पैदा करें, आग ही हम पैदा करें, आग लेकर के जाइए, आज आग आगे लेकर के जाइए बेटे। गुरु जी के जो हृदय की चिंगारी है, वो चिंगारी में से आप एक चिंगारी मांगिए, ये कहिए कि गुरुदेव हमको वो चिंगारी दीजिए जो आपके अंदर काम कर रही है, उसमें से आपको जो मिलेगा तो आपके अंदर में भी वही चिंगारी काम करेगी जो उनके अंदर में चिंगारी काम कर रही है, फिर देखना आनंद है।
आनंद आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। न त्वं कामये राज्यं न सौख्यं न पुनर्भव